जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं उसके थ्रू आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करी जाती है इसमें बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चन देख लेते हैं ये जो वीडियोस है सी बी सी और आई दोनों के बच्चों के लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन दोनों की बुक्स में डीके गोयल में सेम है गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ राजा राम एंड कंपनी टू मार्च थर्ड बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस एट्टी थाउजेंड एट टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट एंड टू एंड हाफ परसेंट कैश डिस्काउंट ठीक है तो अभी आप क्या करो टू एंड अफ परसेंट का मतलब हो गया फाइव बाई टू परसेंट ठीक है या टू पॉइंट फाइव परसेंट भी आप उसको कर सकते हैं टू टू जो फोर प्लस वन फाइव ठीक तो आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे इसकी जर्नल एंट्री पास करी जाएगी तो आप तक मुझे उम्मीद है कि फॉर्मेट का आप लोगों को अच्छे से पता लग गया होगा हम लिखेंगे टॉप पे जर्नल ऑफ राजा राम ठीक है डेट पर्टिकुलर्स एल एफ अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर्स एल एफ अमाउंट ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे सबसे पहली एंट्री हम यहाँ डेट में लिखेंगे 2018 क्या लिखेंगे हम मार्च थर्ड ठीक है और हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू तो कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अमाउंट हम लिखेंगे इसका परचेजेज के सामने सेवेंटी टू थाउजेंड एंड देन कैश के सामने हम लिखेंगे सेवन ज़ीरो टू डबल जीरो एंड डिस्काउंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर अट्ठारह सौ रुपये का ठीक है क्योंकि जब हम डिस्काउंट क्या पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे उसके बाद हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे और वो सप्रैक करके हम यहां पे शो करेंगे ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं किया जाता है ठीक और हम नरेशन यहां लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश एंड रिसीव्ड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे ऐसे करके उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या कहता है सोल गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस वन लैक एट फिफ्टीन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट एंड थ्री परसेंट कैश डिस्काउंट एंट्री क्या हो जाएगी इसकी हम लिखेंगे मार्च फिफ्थ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट ठीक है और अमाउंट होगा इसका एटी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी ट्वेंटी टू फिफ्टी एंड एटी फाइव थाउजेंड एटी फाइव थाउजेंड आपका टोटल वैल्यू जो दी हुई है एक लाख रुपए उसका पंद्रह परसेंट आप निकालेंगे तो पंद्रह हजार हो जाएगा माइनस किया तो एटी फाइव थाउजेंड आ गया अब एटी फाइव थाउजेंड पर आप तीन परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो बाईस सौ पचास आ जाएगा वो फिर आप माइनस कर दीजिए तो उसको इस तरह से हम शो कर देते हैं ठीक है नरेशन इसका हम क्या लिखते हैं नरेशन लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड अलाउड ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट ठीक है और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देंगे नेक्स्ट इसके बाद कहता है सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20 परसेंट ट्रेड डिस्काउंट तो यहां पे इसमें देखिए सिर्फ 20 परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट नहीं बोल रहा है तो ऐसे इस में हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे मार्च सिक्स नागपाल डेबिटेड टू तो सेल्स अकाउंट अमाउंट फोर्टी थाउजेंड सिर्फ फोर्टी थाउजेंड रहेगा और कोई भी डिस्काउंट अलग से नहीं शो करा जाएगा क्योंकि पचास हजार पर बीस परसेंट निकालेंगे तो आपका दस हजार आ जाएगा वो आप माइनस कर दीजिए पचास हजार में से तो आपका चालीस हजार आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड यूल राइट ए डाउन होगा ये नरेशन यू विल राइट डाउन सोल्ड गुड्स टू नागपाल एंड अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ठीक है और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके खींच देंगे नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज नागपाल रिटर्न वन फोर्थ ऑफ दी अबव गुड्स मतलब जो हमने गुड्स थे वो वन फोर्थ उस गुड्स का वापस कर दे रहा है तो वन फोर्थ जो वो चालीस हजार का वापस करेगा तो कितना हो जाएगा दस हजार आ जाएगा ठीक है तो आप क्या लिखोगे मार्च एर्थ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नाग पाल दस हजार और दस हजार ठीक है नरेशन क्या लिखेंगे वन फोर्थ ऑफ द सेल्स रिटर्न बाय नागपाल एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे नेक्स्ट आफ्टर लास्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है नागपाल सेटल दी अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट फाइव परसेंट पांच परसेंट कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं नागपाल को और हमको क्या पूरा का पूरा पेमेंट नागपाल हमें करके खत्म कर रहा है ठीक है तो ऐसे केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे हमारी एंट्री डेट हमारी क्या है मार्च टेंथ हम सबसे पहले हमें मिल क्या रहा है कैश तो कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू नागपाल ठीक है देखिए आपको चालीस हजार का गुड्स बेचा दस हजार उसमें से माइनस करिए तीस हजार हो गया तो यू आर सपोज टू रिसीव थर्टी थाउजेंड फ्रॉम नागपाल लेकिन तीन परसेंट का आप उसे क्या दे दे रहे हैं कितने परसेंट का पांच परसेंट का तो थर्टी थाउजेंड का फाइव परसेंट आपने निकाला तो पंद्रह सौ रुपया आ गया ये जब आप माइनस कर देंगे इसमें से तो ये आएगा ट्वेंटी और यहां नरेशन लिख लीजिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम नाग पाल एंड अलाउड डिस्काउंट ठीक है स्ट्रेट लाइन टोटल कर देंगे आप इसका जब आप टोटल करेंगे तो आएगा टू लैक्स थर्टी सेवन थाउजेंड एंड टू लैक्स थर्टी सेवन थाउजेंड ठीक है तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन और आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे आने वाले दिनों में और जितने भी हैं मेरे पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन मैं इनका कराता चलता हूँ प्लेलिस्ट से जा कर के आप देखने की कोशिश करिए और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दी हुई है डी के गोयल सोल्यूशन जर्नल अगर आप उससे देखेंगे तो आपको सीरीस में सीरीज में देखें सारा वीडियो एक के बाद एक के बाद तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी सो दैट्स इट फॉर जस्ट नाउ कीप वॉचिंग कीप लर्निंग कीप शेयरिंग स्टे सेफ बाय बाय